हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्राइन यात्रा चैनल के एक नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे पवित्र केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर टिकट के नए किराए और टिकट बुकिंग के आसान तरीके के बारे में। दोस्तों, छोटा चार धाम यानी उत्तराखंड के चार तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा शुरू होने में अब कुछ महज ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में अगर आप भी इस साल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ का प्लान बना रहे हैं तो एक बार रिवाइज किराए की जानकारी जरूर देख लें। इस बार जहां गुप्तकाशी से केदारनाथ की यात्रा थोड़ी सस्ती हुई है, वहीं फाटा और सिरसा से आपको ये यात्रा महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, इस साल 2023 में केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। क्या है केदारनाथ यात्रा का नया किराया और कैसे कर सकते हैं आसानी से बुकिंग, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के लिए 70% टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन की जाती है, जबकि 30% टिकट हेली कंपनियों के माध्यम से दिए जाते हैं। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा से हेली सेवा का संचालन किया जाता है और इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा द्वारा टेंडर जारी किया जाता है। यूकाडा ने 2020 में 9 कंपनियों के साथ हेली सेवा संचालन के लिए अनुबंध किया था। 2022 में अनुबंध खत्म होने के बाद इस बार यूकाडा ने नए सिरे से हेली कंपनियों का चयन करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की। फाटा और सिरसी हेलीपैड से 4 कंपनियों को हेली संचालन के लिए चयनित किया गया है। इसमें फाटा से पवन हंस कैस्ट्रल एविएशन, सिरसी से हिमालयन हेली कैस्ट्रल एविएशन के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा, जो इस बार तीर्थ यात्रियों की जेब पर ज्यादा भार डालेंगी, क्योंकि ये कंपनियां हेलीकॉप्टर के किराए में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। तो आइए अब फटाफट जान लेते हैं कि कहां से कितना किराया चुकाना होगा। अब फाटा से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा से आने जाने का किराया प्रति यात्री 5,500 रुपए हो गया है। इसमें पहले की तुलना में 780 रुपए बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले इस यात्रा के लिए तीर्थयात्री 4,720 रुपए ही चुकाते थे। वहीं अब एक नज़र सिरसी के केदारनाथ के लिए बढ़ाए गए किराए पर डालें तो इसमें कुल 818 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पहले इस यात्रा का किराया लगभग 4,680 रुपए था, वहीं अब इसके लिए आपको 5,498 रुपए चुकाने होंगे, यानी यहाँ भी आपकी जेब ज्यादा खाली होगी। हालांकि गुप्तकाशी से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए थोड़ी खुशखबरी जरूर है, क्योंकि गुप्तकाशी से केदारनाथ तक का हेली सेवा का सफर 10 रुपए सस्ता होने जा रहा है। पहले जहां आपको इसके लिए 7,750 रुपए देने पड़ते थे, वहीं इस साल इसके लिए आपको 7,740 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि चार धाम यात्रा को हमारे देश में एक उत्सव की तरह देखा जाता है। इससे हिंदू श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था जुड़ी होती है और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, जिसके चलते टिकट हैकिंग का बिजनेस भी इस दौरान खूब जोर पकड़ता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस साल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए भी कई प्रयास किए हैं। अब आप अपनी टिकट की हैक की चिंता भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए टिकट काउंटर और हेलीपैड दोनों को हैक प्रूफ बनाया है। अब ऑनलाइन बुकिंग भी केवल आधिकारिक और स्वीकृत वेबसाइट के जरिए ही उपलब्ध कराई जाएगी, किसी अन्य वेबसाइट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। अब आपको केदारनाथ हेलीकॉप्टर के टिकट बुकिंग का आसान तरीका भी बता देते हैं। इस साल केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से ही कर सकते हैं। इस नई वेबसाइट heliyatra.irctc का ट्रायल भी अब शुरू हो गया है। पर्यटक इस पोर्टल के जरिए अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह से अपनी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की ढेरों यात्राओं से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।